नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शानवास हूँ, आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो एक ऐसा लास्कर ट्रैप है, जो ऐसा ट्रैप है जो कि ये ब्लॉक के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये जो ब्लॉक पीसेस के साथ खेलना है। अगर इस तरह आप एक कुछ अच्छा चेस ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो फ्यूचर में आप कभी भी मैं कोई भी ऐसे ट्रैप अपलोड करूं तो आप मिस नहीं मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं लश्कर ट्रैप क्या होता है। लश्कर ट्रैप में वाइट टू डी फोर, ब्लैक टू डी फाइव एंड सी फोर एंड ई फाइव। यहाँ तो क्या है, सिंपल ओपनिंग ट्रिक्स है। तो अपने से अरे अब जब ब्लैक डी फाइव ई सॉरी ई फोर ई फाइव देता है, तब क्या है, वाइट क्या करता है, उसका ई फोर वाला पोन को कैप्चर करता है। तो कैप्चर करने के बाद वो ब्लैक उसका पोन को कैप्चर नहीं करता है, जो सी फोर दिया हुआ है वो क्या करता है, ब्लैक क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। आगे जब बढ़ाता है ब्लैक एक स्टेप, उसमें क्या है, वो स्टेप में वो क्या है, सेंटर से थोड़ा सा और मतलब व्हाइट का जो मतलब ऐसे आप वो इसको एरिया बोल सकते हैं, उसका बहुत नज़दीक नज़दीक चला जाता है। और जो नाइट यहाँ पर प्लेस है आपका, ये नाइट उसका जो फेवरेट प्लेस है, जो नेचुरल प्लेस है, वो वहाँ पर वो जा नहीं सकता है। तो क्या है, वो ब्लैक के लिए एक अच्छा है, एक तो पॉन तो दिया है फिर भी एक अच्छा मूव है। तो ब्लैक ब्लैक को नज़दीक आते हुए देखे हो, व्हाइट ने क्या क्या करता है, अपना जो ई ई थ्री वाला ई में प्रो ई वाला पॉन उसको ई थ्री में प्लेस करता है। तो हमको जो चाहिए था अब तक मतलब सेम ही चल रहा है, मतलब यहाँ से हम अपना जो लास्कर ट्रैप है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, तुरंत ही ब्लैक देता है बिशप टू बी फोर एंड व्हाइट को क्या है, चेक देता है। तो सिंपल सा जो मूव है वो क्या है, वो बिशप को वो पिन करता है, दोनों बिशप का चेक को अपने बिशप से पिन करता है। इसमें क्या है, तो ब्लैक क्या करता है, बिशप को कोई सपोर्ट देने के बजाय ब्लैक क्या करता है, वो अपना ये पॉन से वो कैप्चर करता है। व्हाइट को लग रहा है कि ये यहाँ पर व्हाइट को लग रहा होगा कि ब्लैक ने बिना देखे वो ब्लंडर कर दिया, और ये ट्रैप उसने देखा नहीं है पहले से। तो क्या है, तुरंत ही वो अपना वो बिशप को कैप्चर करके पीसअप में मतलब एक विनिंग पोजिशन में उसको लगता है कि वो ब्लैक विनिंग पोजिशन व्हाइट सॉरी व्हाइट विनिंग पोजिशन में आ गया है। यहाँ से क्या है, ब्लैक क्या मूव देता है, ये जो पॉन को कैप्चर करके वो अपना वो उस ओपोनेंट का व्हाइट किंग को वो थ्रेड मतलब चेक देता है। अगर उसने इसको कैप्चर कर दिया तो व्हाइट का यहाँ पर क्वीन मतलब क्वीन को फ्री में जैसे गिफ्ट कर दिया है ब्लैक को, उस तरह का मैच हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वो तो यहाँ पर कैप्चर नहीं करेगा, तो ये कैप्चर नहीं करेगा तो उसको तो मूव देना पड़ेगा। उसने क्या है, एक सिंगल मूव है, क्योंकि ई डी फाइल तो पूरा ओपन है और ब्लैक का क्वीन है उसमें मतलब प्लेस हुआ है, तो वो डी फाइव में नहीं जाएगा। उसने क्या किया, ई टू वाला स्क्वायर में चला गया। जब ई टू वाला स्क्वायर में जाता है तब क्या है, ब्लैक का नेस्टी मूव रहता है, वो यहाँ पर नाइट लाया। इसमें क्या होगा, नाइट क्यों लाया मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इसमें नाइट आया और उसको चेक दिया, जब चेक दिया अगर वो अपना रूट से इसको मतलब कैप्चर करता है, तब क्या है, बिशप टू जी फोर वो क्या है, अपना क्वीन को यहाँ मतलब फ्री में मिल जाएगा, वो ब्लैक को उसका क्वीन कैप्चर कर लेगा। तो उसने क्या है, वो भी नहीं करता है, उसने क्या सोच रहा है कि उसको एक मूव दे दें, फिर से अपना पोजिशन में ई वन में मूव देता है। और मूव देने के बाद क्या है, उसके बाद क्वीन बाहर आता है और फिर से उसको किंग को चेक देता है। उसने अगर और
और रिप्लाई में अगर उसने जीत सीधे दिया देन चेक अगेन। इसका क्या है रूट, जो रूट है यहाँ पर फिर हैंगिंग है। तो अगर उसने चेक को वो पॉन को मूवमेंट ना देके अगर फिर से अगर उसने कुछ ऐसा मूव दे दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो उसमें क्या है हम उसका बिशप को यहाँ पर थ्रेड देंगे। तो बिशप थ्रेड देने के बाद ऐसे हमारा जो वाइट बिशप है उसको थोड़ा डेवलपिंग मूड देके उसका क्वीन को हम लोग क्या है थ्रेड दे रहे हैं। तो उसमें क्या है क्वीन थोड़ा मूव कर दिया यहाँ पर, जो घोड़ा है उसको उसके पास उसको पिन करने के लिए नाइट को कर दिया। इस सब के बाद क्या है और जो ब्लैक है आसानी से लॉन्ग कास्टिंग करता है, उसको चल देता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि उसका एक तो ब्लैक एक पीसअप है, उसके पास एक एक्स्ट्रा पीस है और पॉन भी एक्स्ट्रा है और बहुत सारा अटैकिंग प्लेस है यहाँ पर ब्लैक का। C6 से जो नाइट बैठा हुआ है, D8 में रूट बैठा हुआ है, यहाँ पर वाइट बिशप से भी, ये नाइट से और क्वीन से बहुत सारे यहाँ पर क्या है ब्लैक को एक अटैकिंग मतलब प्लेस मिल रहा है। अब हम अगर वाइट के वाइट के साइड से देखते हैं तो यहाँ पर क्या है वो बिशप को यहाँ पर ना कैप्चर करके वो क्या करना चाहिए, वो जो पॉन थोड़ा आगे आ गए उसको कैप्चर करना चाहिए। इसमें क्या है जो ट्रैप्स है वो ट्रैप से थोड़ा बाहर आ जाएगा और मेटेरियल का भी ज़्यादा वो नहीं आएगा और सेम सेम हो जाएगा, मतलब एक मेटेरियल क्या है एक्सचेंज की तरह हो जाएगा। फिर से जो क्वीन से चेक देगा उसके बाद फिर G3 अगेन। और यहाँ पर क्या है एक मतलब सेम सेम मेटेरियल एक्सचेंज की तरह हो जाएगा और दोनों इक्वल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह ब्लैक हो तो लक्सर ट्रैप से कैसे मतलब प्रॉफिट लेना है लक्सर 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 ट्रैप का अप्लाई करके, अगर आप एक वाइट के पॉइंट ऑफ से सोचेंगे तो लक्सर ट्रैप से आप कैसे बचेंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो इसी तरह मेरा वीडियो अगर वो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरह का और मेरे को और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का थोड़ा मौका दीजिएगा। थैंक यू।